अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम आपका काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग में। आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और वो है सीआरटी टीवी के बारे में। अगर आपका सर्किट जो है मुकम्मल तौर पर ठीक हो और कलर फिर भी ना आ रहे हैं तो उसका क्या हल है? और ये नाज़रीन एक सिंपल सोल्यूशन है, आपको अपना पैसा और वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। आप अपने घर पर भी इस फॉल्ट को जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक रिमोट वो लाजमी होना चाहिए, उसके साथ जो है आप अपने इन फॉल्ट को तकरीबन 70% तक जो है वो क्लियर कर सकते हैं बगैर किसी मैकेनिक के। तो नाज़रीन चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे ऑन स्क्रीन नाज़रीन मैं आपको एक सीआरटी टीवी जो है वो आपको नज़र आ रहा है और ये देख लें, ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, अभी इसमें कोई कलर जो है वो नहीं आ रहे। तो हमारा सर्किट जो है वो कम्प्लीटली बिल्कुल ओके है, उसके बावजूद जो है हमारे कलर जो यहाँ पे नहीं आ रहे, तो इसका क्या रीज़न है? ये एक नहायत सिंपल सलूशन है नाज़रीन, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में अपने टीवी को अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपने उसको किस तरह जो है वो क्लियर करना है, किस तरह रिपेयर करना है। तो ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर का इशू है, या आप फैक्ट्री का कह सकते हैं, अपने प्रोग्रामिंग का कह सकते हैं। तो ये बेसिक ये दो तीन चीज़ें हैं, तो आप प्रोग्रामिंग जो है अपनी इंस्टॉल कर सकते हैं दोबारा रिफ़्रेश करके, लेकिन उसको किस तरह इंस्टॉल करना है ये आपको इस वीडियो में आप बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास सेट है, ये कम्प्लीटली जो है ये ट्यूनिंग पे, और यहाँ पे आप देख लें कि ये मुकम्मल तौर पे जो है ब्लैक एंड वाइट है, कोई कलर इसमें नहीं आ रहा। यहाँ पर मैंने मेन्यू खोल के उसके बाद इसका 5.5 और ऑटो पाल जो है वो भी क्लियर किया है, लेकिन ये वो जो ऑप्शन है वो बिल्कुल नहीं आ रहे। और इसमें उसको हमने किस तरह लेके आना है ये सारा कुछ इस वीडियो में। और हमारी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो है हमारी वीडियो वो बरवक्त पहुँचें और आपको किसी किस्म की भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पे देख लें, मैंने अभी ऑटो ट्यूनिंग भी की है, और ऑटो ट्यूनिंग का तरीकाकार ये है नाज़रीन, अगर इस तरह का कोई इशू आए तो आपने ज़ीरो पर लेके आना है अपने सेट को। और बसाव का इस तरह होता है कि कुछ चैनल जो हैं उनमें कलर या साउंड वो आता है और कुछ पे नहीं आता, कुछ पे NTSC और कुछ पे पाल, ये सिस्टम होता है। तो आपने उसको क्लियर करने के लिए आपने ज़ीरो पे लेके आना है अपने सेट को, और उसके बाद अपने जितने भी कीज़ हैं ये आपने उसको सेट करना है उनको, जिस तरह 5.5 है उसके बाद ऑटो है या पाल है, उस पर करके आपने दोबारा ऑटो ट्यूनिंग पर लगाना है, तो हमारा ये सिस्टम जो है ये हल हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद जो है हमारा ये जो क्लियर ना हो, तो इसके लिए आपने करना क्या है, अपनी फैक्ट्री को आपने ओपन कर लेना। उसके लिए आपके पास एक रिमोट होना ज़रूरी है, और वो भी नाज़रीन फैक्ट्री वाला, जिसमें कि फैक्ट्री ओपन हो सके। तो इसमें एक सीक्रेट की होती है, उससे आप अपनी फैक्ट्री को ओपन करें। यहाँ पर आप देख लें, ये हमारे पास सब ब्राइटनेस और उसके बाद ये हमारा वर्टिकल साइज़ वगैरह का जो सिस्टम है वो आ गया है। तो उसके आगे हम चलेंगे, अपने मेन्यू को चलाएँगे, एक नंबर, दो नंबर और उसके बाद तीन नंबर, जहाँ पे देख लें ये सेटअप सिलेक्ट है, इसको आपने नाज़रीन लाजमी ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद ये हमारा सिस्टम जो आगे चलेगा, अगर इसको हम ऑन नहीं करेंगे तो हमारी ये फैक्ट्री जो है ये आगे ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। तो इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे देख लें, ये हमारा साउंड ट्रैप टेस्ट है, और उसके बाद ये इसके लिए हमको नाज़रीन नीचे जो दो ऑप्शन है इनको हमने ऑन करना है। ये आप देख लें, 4.5 है और 5.5, इन दो ऑप्शन को आपने ऑन करना है, 6.5 ये और 6.0, इन चारों को आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नाज़रीन, यहाँ पे ऑटो, ये देख लें ऑटो ऑप्शन आ गया, ऑटो को भी आपने ऑन करना है, ये बंद हुआ है फैक्ट्री से। और उसके बाद सीकेम, पाल, NTSC, इन चारों को आपने ऑन कर लेना है, और उसके बाद जो है नाज़रीन दोबारा अपने फैक्ट्री को जो है दोबारा आपने इसको ट्यूनिंग पर ले कर आना है। यहाँ पे फैक्ट्री जब क्लियर होगी तो उसके बाद आप मेन्यू खोलें, मेन्यू पे जो मैंने पहले सेटिंग आपको बताई है 5.5 पे आपने लेके आना है इसको, और उसके बाद ऑटो और पाल पे लेके आना है, और ज़ीरो पे, ज़ीरो से आपने इसको स्टार्ट करना है, और अपनी फैक्ट्री को जो है रीसेट करने के बाद ऑटो ट्यूनिंग पे इसको ले आएँ। और ये हमारा कलर जो है ये आप देख लें, यहाँ पर हमारा ये मसला हल हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो, आज की ये कावज पसंद आएगी, और किसी भी किस्म के मसले के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रابطہ कर सकते हैं, वो है 0345 3958708, और उसके बाद
हमारा इंस्टाग्राम है नाज़रीन, इंस्टाग्राम पे मोहम्मद शफीक PK665, उस पे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में हमसे आप कोई भी सलाह मशवरा जो है वो कर सकते हैं, हम अपने इल्म के मुताबिक आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे नाज़रीन हमारा ये फॉल्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।